उसको लगातार दूसरे देशों को भी, हमारे देश को तो दे ही रहे हैं। देश के अंदर आज 34 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और दुनिया के दूसरे देशों को भी हमारा देश वैक्सीन देने का काम कर रहा है। निश्चित रूप से जो उनका मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसको निश्चित रूप से हम चरितार्थ करेंगे। और जो हमारे सामने चुनौती है, हम सब लोग मिलकर प्रदेश के जो हमारे मेरे सीनियर लोग हैं, जिन्होंने पहले कामों को आगे बढ़ाया है और जिन्होंने कुछ चीज़ों की आधारशिला रखी है, उन आधारशिलाओं को अंजाम तक पहुंचाने का काम मैं प्राणों प्राण से करूँगा। सर, शपथ का क्या कार्यक्रम है, कब तक का तय किया गया, क्या कुछ? शपथ का कार्यक्रम आज महामहिम जी को हम लोगों ने अपना जो प्रस्ताव है वो दे दिया है और महामहिम जी की तरफ से जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, क्या पुराना मंत्रिमंडल, उसमें किसी तरह के बदलाव, कुछ लोग ड्रॉप किए जाएंगे, पोर्टफोलियो बदले जाएंगे, क्या कुछ होगा? नहीं, अभी जल्दी जल्दी सबको पोर्टफोलियो मिले हैं, उसके बारे में हमारा सबका अभी इसके बाद इस पर चर्चा होगी। अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, अभी होमवर्क हुआ नहीं है, होमवर्क पूरा होने के बाद ही मैं इस बारे में कुछ कहूंगा। सर, सरकार के शेष 6 महीने बचे हैं तो चुनौती अब मानते हैं 2022 सबसे बड़ी चुनौती होगी आपके सामने? निश्चित रूप से इस चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे। सर, लोगों को ये बड़ी आपसे उम्मीद है, आप रोजगार की बात आप उठाते रहे हैं, युवाओं को खास करके आपसे जो है। हाँ, निश्चित रूप से मेरा ये लक्ष्य होगा कि हमारे जो भाई बेरोजगार हैं हजारों लाखों की संख्या में, उनको कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने का काम हो। और जो उसके लिए मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लगातार उसके लिए मैंने, चाहे वो विधानसभा का घेराव हो, चाहे हमारे रुद्रपुर में सिटकुल का घेराव हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने जो है स्थानीय जो हमारे यहाँ के उद्योगों में रोजगार मिले, सरकारी नौकरियों में उनको रोजगार मिले, उसके लिए लगातार आंदोलन किए हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। और सारे प्रदेश के युवा जानते हैं कि निश्चित रूप से उन युवाओं के विश्वास को